नमो विष्णुपदाय श्री रूपाप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवानी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्य में शीलेना सर्वानन्विधायिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देशे तारिणे अथाख्यायी हरिर्धीमन वातारक कथा शुभा लीला विदथा स्वयमीश्वरस्य आत्ममायया। हे बुद्धिमान सूजी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर सारे ऋषि मुनि जो इकट्ठा हुए थे वो सूत गोस्वामी को कहते हैं कि हे बुद्धिमान सूत गोस्वामी, कृपा करके हमें भगवान के जितने भी लीला हैं, जितने भी अवतार हैं, जितनी भी दिव्य लीलाएं हैं उनका वर्णन करें। भौतिक जगतों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या करते हैं? वो स्वयं ही हजारों रूपों में अवतरित होते हैं। इस संसार को चलाने के लिए वो स्वयं ही आते हैं, हजारों रूपों में अवतार लेते हैं और फिर जो इन विविध अवतारों में वो जो दिव्य लीलाओं को करते हैं, दिव्य रूपों में वो जो जो भी साहसिक कार्य करते हैं, संहार करते हैं दानवों का, तो ऐसे जितने भी साहसिक कार्य करते हैं वे सभी क्या है, वो कल्याणप्रद हैं, होते हैं। तो जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित थे, जब वो भगवान जी लीला कर रहे थे, जो लोग उस समय उपस्थित थे और तथा जो लोग ऐसे कार्यों को दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, और अगर हम उपस्थित ना हो तो जिस तरह अभी हम लीलाओं को सुनते हैं भगवान की, तो जब हम इस तरह भगवान की लीलाओं को सुनते हैं उससे हम सबको लाभ होता है। ये दोनों ही लाभान्वित होते हैं, यानी जो लोग उस लीला को देख स्वयं उधर होकर देख रहे थे और जो इन लीलाओं का अभी श्रवण कर रहे हैं, वो दोनों ही को ही इससे फायदा होता है भगवान की दिव्य लीलाओं से। हरे कृष्णा।